बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय रिसोर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफाक। आज हम सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज 12.5 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये प्लस 2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -2। कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है। सिंपल फंक्शन की वैल्यू निकलती है, हमेशा याद रखिएगा, -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x/2 और ये हो गया -1/2। तो अगर आप याद हो तो हमने क्या कहा था कि वी आर नॉट सपोज टू टेक आउट दिस साइन। ये साइन बताती है कि फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3x/2 इट इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। सॉरी, माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स x/2 क्या हुआ, 30। साइन 30 हाफ होता है, π/6 30 आ गया। अब आप देखें कि ये हमारे पास है 3x/2, तो ख्याल रखिएगा कि यहाँ से x इस स्टेज पर सेपरेट नहीं होगा, ठीक है ना। जब हम पीरियड को ऐड करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। तो वेल, आप देखें कि हमने क्या कहा, नेगेटिव साइन फंक्शन के साथ यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव, इट लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास कहाँ लाई करता है, सेकंड में या थर्ड में, तो थर्ड में या फोर्थ में लाई करेगा, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था, ऑल सीनियर टेक चार्ज। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव। इसका मतलब है कि एंगल कहाँ है। और एक और चीज़ हमने क्या बताई थी आपको कि अगर थर्ड में है तो एंगल क्या होगा आपके पास, π/θ, और अगर फोर्थ में है तो क्या होगा, 2π-θ। ये सारी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे, 3x/2 इक्वल्स टू π/6 प्लस π इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 3x/2, 6 × 1 = 6, 7, तो ये हो गया 7π/6। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को बाद में वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ कि अब हम सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, यहीं पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 2, तो 2π-θ, 2π-θ, और थीटा क्या है आपके पास, π/6, तो ये हो गया 3x/2 इक्वल्स टू 6 × 12 में से 1 निकलेगा 11, 11/6, तो ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आइए हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन में रख कर कि आया ये आपस लेफ्ट और राइट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर उसके अंदर पीरियड को ऐड करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। तो चेक इन इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया साइन 3x/2 इज इक्वल्स टू -1/2, तो ये हो गया साइन 7π/6 इक्वल्स टू -1/2। तो हमने क्या कहा था आपसे कि पाई जो है वो π/6 दैट इज़ 30, 7 × 3 = 21, तो ये हो गया साइन 210, तो ये मेरे पास आ गया साइन 210 -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला
हिस्सा जो है इसका वेरीफाई हो रहा है। अब सेकेंड हिस्से की तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 अगेन, और साइन अब 3x की जगह हमने दूसरी वैल्यू पुट कर दी 11 पाई अपॉन 6 वेरीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 330। तो 330 का हम साइन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, तो ये हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2, तो ये वेरीफाई हो गया। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दोनों आंसर्स हमारे पास वेरीफाई हो गए, तो अब आइए इसको हम जनरल सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो अब हमने इन एंगल्स को क्या किया, जनरल सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो पहला हमारे पास एंगल क्या था, 3x इज इक्वल्स टू 2, दैट वॉज 7 पाई अपॉन 6। तो चूँकि फंक्शन साइन है और साइन का जनरल पीरियड क्या होता है 2n पाई, तो ये हो जाएगा 2n पाई। अब यहाँ पे आपने x को सेपरेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 डिवाइडर है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। हमेशा याद रखिएगा कि x जनरल जब पीरियड को ऐड कर देंगे तो उसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 3 पाई, 3 3 9, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4n पाई और अपॉन 3 हो जाएगा। ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया, पहला जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आइए हम सेकंड जनरल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, दैट इज 3x अपॉन 2, इट इज़ इक्वल्स टू 11 पाई अपॉन 6। दोबारा पीरियड को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, ऐड कर दिया, ये 11 है, तो ये हो जाएगा x 2 अपॉन 3, 11 पाई अपॉन 6, तो ये हो गया 2n पाई। तो ये हमारे पास 2 3 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 अपॉन 9, 4n पाई अपॉन 3, ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो आइए इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। पहला सेट आपके पास आ गया 7 पाई अपॉन 9, दूसरा सेट आ गया पाई अपॉन 3 यूनियन 11 पाई अपॉन 6, 4n पाई अपॉन 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आइए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये माइनस 4 अपॉन 3, तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 3। सेक का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेते हैं, 4 अपॉन 3 उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रेडिकल 3 अपॉन 2। तो अब आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप फंक्शन को ले लीजिए रेडिकल 3 अपॉन 2, और इसमें से पहले आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा रेडिकल 3 अपॉन 2 कॉस इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉस इनवर्स रेडिकल 3 अपॉन 2 पाई होता है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन जो है प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले हम ले लेते हैं कि कॉस थीटा इज पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव है तो इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई चेंज नहीं आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2π माइनस होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 में से 1 निकलेगा 11, 11 अपॉन 6, ये मेरे पास इसके दो एंगल्स आ गए। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 11π/2 और θ/π/6 मैंने चेक कर लिए दोनों, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसको हम वेरीफाई नहीं करेंगे। तो अब आइए हम कंसीडर करते हैं
कॉस थीटा इज नेगेटिव। जब कॉस थीटा नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा, लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आपके पास आ गया थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस होगा पाई अपॉन सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स वन ज़ा सिक्स फाइव पाई अपॉन सिक्स। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस होता है थीटा में, तो पाई अपॉन सिक्स प्लस हो जाएगा, तो ये सिक्स वन ज़ा सिक्स और एक सेवन, सेवन पाई अपॉन सिक्स, ये हमारे पास तीसरा एंगल आ गया। तो ख्याल रहे डियर स्टूडेंट्स, दोबारा लिख सामने रख रहा हूँ, 11 पाई अपॉन 6 मैंने डायरेक्ट पुट करके चेक कर लिया, वेरीफाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को चेक नहीं करते। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड थर्ड एंगल है, ये फोर्थ, इन दोनों को चेक करेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर से हमने दोनों को चेक कर लिया है, ये वेरीफाई कर रहा है। तो अब आप आइए इसका हम जनरल सोल्यूशन बनाते हैं। फंक्शन है कॉस थीटा, तो पहला एंगल आपको दिया हुआ था पाई, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई। ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का जनरल पीरियड क्या होता है, टू एन पाई। अब सेकंड एंगल क्या था हमारे पास, सेकंड एंगल था 11 पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, ये हमारे पास सेकंड जनरल सोल्यूशन आ गया। फिर ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन आ गया, थीटा इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, ये मेरे पास थर्ड आंसर आ गया इसका। सिमिलरली तो ये हो गया आपके पास 7 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, तो ये मेरे पास फोर्थ एंगल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि चार एंगल्स हमारे पास आ गए, इनका आपने सॉल्यूशन सेट बना लेना है। तो ये हो गया पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, 11 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, 5 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, 7 पाई अपॉन 6 प्लस टू एन पाई, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया सेकंड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो गया, प्लस माइनस 1/2। तो हमने क्या कहा था आपसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू सिंपल उसकी वैल्यू लेंगे, माइनस साइन के साथ नहीं लेंगे, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 0.5 क्या होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। अब जहन में रखिएगा कि ये प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम ले लेते हैं कि सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, इट लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हम कर चुके हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस होगा थीटा में से, तो पाई अपॉन 6, 6 वन जा 6, 6 में से 1 निकलेगा 5, 5 5 अपॉन 6, ये हमारे पास एंगल आ गया दूसरा। अब हम ले लेते हैं कि सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है तो ये कहाँ लाई करेगा, इट लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी डिटेल हम पहले आपसे शेयर कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा साइन जो आपको थीटा दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस हो जाएगा पाई अपॉन 6 में, तो ये हो जाएगा 6 वन ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 6। फिर आपके पास हो गया थीटा, 2 पाई माइनस हो जाएगा पाई अपॉन 6 से,
तो ये हो जाएगा 6 2 12, 1 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 11/6। तो आपने देखा कि हमारे पास चार एंगल्स आ गए। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको चेक कर लीजिए और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया तीनों रिजल्ट्स को। तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। फंक्शन चूँकि पाई है तो आपके पास 2n पाई ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 प्लस 2n पाई। दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास 5π/6 प्लस 2n पाई, तो यूनियन थर्ड आ जाएगा 7π/6 प्लस 2n पाई। फिर फोर्थ आ जाएगा 11π/6 प्लस 2n पाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए स्टूडेंट्स, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए, sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/cos²x = 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, उलट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos²x = 1/4। तो ये हो गया cos(x) = ±1/2। सेम सिचुएशन हेयर, पहले हम इसको विदाउट नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा x = cos(1/2) बराबर होता है 60 डिग्री के, यानी कि π/3। तो अब हमारे पास cos(1/2) π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री। अब चूंकि ये प्लस और माइनस दोनों हैं, तो आइए हम पहले प्लस का केस ले लेते हैं। तो सिंस cos(x) = पॉजिटिव, इट लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में है तो कोई चेंज नहीं आएगा, π/6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2π माइनस हो जाएगा π/3 से। 3 2 6, 6 में से 1 निकल गया माइनस, तो 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 5π/3। ये हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम नेगेटिव इसका साइन लेते हैं। कॉस नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा? सेकंड में और थर्ड में लाई करेगा, और एंगल आपके पास क्या है? थीटा है, तो थीटा है π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस हो जाएगा, तो π/3, तो ये हो जाएगा 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2π/3। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस हो जाएगा, तो π/3 यहाँ लिख दीजिए आप, इन सेकंड क्वाड्रेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 3 4, तो 4π। ये हमने इनकी वैल्यूज को चेक कर लिया। अब आइए इनके सॉल्यूशन सेट्स बना लेते हैं। तो फिर सॉल्यूशन सेट में पहला सेट क्या आएगा? चूँकि फंक्शन कॉस है और उसका पीरियड क्या होता है? 2n पाई होता है, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2n पाई, यूनियन तो हो जाएगा 5π/3 प्लस 2n पाई, यूनियन थर्ड पॉइंट 2π/3 प्लस 2n पाई, यूनियन 4π/3 प्लस 2n पाई। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर 1 पहले देखना है, हमने उस पर डिटेल्स आपसे शेयर करी हैं कि किस तरह से कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल प्लस या माइनस करते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी। अब सेकेंडली, आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं थिन यासिर इरफान, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।